Hello students, this is the second video for the second chapter of Indian Economic Development. In previous video, I have discussed with you regarding the five-year plan and economic system in India after independence. Now in this chapter or this video, we are going to continue with the remaining part of this chapter, that is all three sectors and what kind of policies which we have adopted after independence in these three sectors. सो द फर्स्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी, तो पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके. इसके लिए उन्होंने दो तरीके यूज किए. एक तो उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके साथ ही कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए. अब ये लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग जमींदारी सिस्टम, जिसमें कुछ मीडिएटर्स होते थे. तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि लैंड रिफॉर्म्स में जो छोटे टिलर्स या जो छोटे फार्मर्स हैं जो खेतों पे एक्चुअली काम करते, उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाए, मतलब उन्हें ओनरशिप मिले उस जमीन की जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. ये इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ओनरशिप होगी किसी के पास तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. पहले के सिस्टम में जमींदार के पास वो जो भी काम करते थे, जमीनें जमींदार की होती थी, इसलिए वो सिर्फ एज अ वर्कर काम करते थे और उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो अपना कोई भी एफर्ट नहीं डाल पाते थे. इसके पीछे एक और रीजन है जो कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं. सोवियत रूस में ओनरशिप और इंसेंटिव्स को लेके एक एग्जांपल हमको देखने को मिलता है, जहां पे पूरा का पूरा जो ओनरशिप था वो गवर्नमेंट के हाथ में था और जो टिलर्स थे, जो भी किसान थे वहां पे, उन्हें इंसेंटिव मिलते थे, मतलब उनके काम के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते थे. तो वहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो फ्रेश फ्रूट्स के साथ ही रोटन फ्रूट्स, मतलब सड़े हुए फ्रूट्स को भी एक साथ पैक कर देते थे, की वजह से जो अच्छे फ्रूट्स वो भी खराब हो जाते थे. क्यों? क्योंकि इसका जो बेनिफिट मिलता था, उसको बेचने से जो फायदा मिलता था, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता था. अगर गवर्नमेंट के पास नुकसान भी होगा, गवर्नमेंट को उनका जो इंसेंटिव था वो उनको देना ही पड़ेगा. वो इस हिसाब से काम करते थे. वहीं पे अगर वो ओनरशिप होती उनके पास, तो वो सही तरीके से अपना बिजनेस या अपना जो फार्मिंग का काम है उसको करते. तो इसलिए ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए ये काम किया गया. इसके लिए किया गया एक जो नेक्स्ट स्टेप था, दैट इज कॉल्ड लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग का मतलब है जितने भी इंटरमीडिएटर्स थे उनको एबॉलिश करना, उनको हटा देना, जैसे जमींदार जागीदार. इसकी वजह से जो 200 लाख टेनेंट्स थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गए. इसके साथ ही लैंड सीलिंग में किया गया कि जो बड़े जमींदार थे या बड़े फार्मर्स थे, उनके पास से जो एक्सेस जमीन थी उसको लेके छोटे टिलर्स जिनके पास कोई जमीन नहीं थी उनका उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया. इस रिडिस्ट्रीब्यूशन से जो छोटे टिलर्स या छोटे किसान थे, उन्हें अपने आजीविका को चलाने के लिए उनके पास जमीनें मुहैया हो पाई. लेकिन इसके पीछे भी कुछ हर्डल्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे. जैसे बिग लैंडलॉर्ड्स, उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की. उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लाके खड़े करवा दिया, क्लोज रिलेटिव्स को. उन्होंने जब रजिस्टर हो रहे थे दोबारा से गवर्नमेंट की तरफ से रिडिस्ट्रीब्यूशन के, तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम, अपने नौकरों के नाम वो जमीनें ले ली. लेकिन इन सब के बावजूद भी लैंड रिफॉर्म के कारण बहुत से छोटे किसानों को जमीन मिल पाई थी और इसी की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ या डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ. सो लैंड रिफॉर्म बेसिकली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे इंडिया में केरला और वेस्ट बंगाल में, वहां पे, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कुछ सेक्युलरिज्म पे बिलीव करती थी, सोशलिज्म पे बिलीव करती थी. इसके अलावा मॉनसून भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का. आज भी आपको पता है कि मॉनसून के ऊपर ही हम टोटली डिपेंडेंट रहते हैं और हमें इस स्टैग्नेशन जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी, कंडीशन थी, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी कि हम कुछ बहुत कड़े उपाय अपनाएं. और इसी के लिए एक जो हमारे सामने एक पॉसिबिलिटी आई, दैट इज HYV सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. इन सीड्स के शुरुआत में वीट और राइस को उगाया गया और इसकी वजह से हमारी जो एक बहुत सेल्फ सफिशियंसी की जरूरत थी, जो कि हम
सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम टोटली फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवाते थे यूएसए से. वो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो इस HYV सीड्स की वजह से काफी हद तक कम हो पाई. सो द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट क्वांटिटीज. अच्छा, अब इन सीड्स को यूज करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत थी. यूज फार्मर्स अगर सही तरीके से करेंगे तभी HYV सीड्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ पाएगा. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की. गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए जिसकी वजह से उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए. और उसके बारे में गवर्नमेंट ने जो भी फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी. और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था, वो था उन्होंने सब्सिडाइज्ड रेट पे छोटे किसानों को या गरीब किसानों को HYV सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स उन्होंने प्रोवाइड करवाए ताकि जो गरीब किसान है वो भी इस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर सके. सो अप्रोक्सीमेटली मिड 1960 से लेकर मिड 1970 के बीच में ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फेज था वो आया था. और इसकी वजह से शुरुआत में ये पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे एफ्लुएंट जो बहुत ही रिच हम कह सकते हैं स्टेट थे वहां पे ये यूज आया था. फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन ओनली. जब शुरुआत हुई थी तो ये जो वीट ग्रो करने वाली जो स्टेट्स है वहीं पे इसका यूज हुआ था. इसके सेकेंड फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1970 के मिड से लेके मिड ऑफ 1980 के बीच का टाइम ऑफ पीरियड था, लगभग 10 ईयर्स का, उसमें ये लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में फैल गया जिसकी वजह से ना सिर्फ वीट और राइस इसके अलावा भी दूसरे अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स पे भी इसका यूज आया जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई भी अब डिपेंडेंसी नहीं रह गई अमेरिका के ऊपर जो कि हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर. ओके, इसके साथ ही अभी तक तो हम अपनी फूड ग्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट रहती थी हमारे देश के लोगों की उसी को हम कंप्लीट अपने लिए यूज नहीं कर पाते थे, उगा नहीं पाते थे. लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास एक मार्केटेड सरप्लस बचने लगा. मतलब जितना हमें फूड ग्रेन्स क्या चाहिए जरूरत है कंजम्पशन की उतना हटाने के बाद भी हम उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं. तो इसकी वजह से जो अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड that is as marketed surplus was sold by the farmers in the market. इसकी वजह से farmers सिर्फ अपना ही जो उनको जरूरत था उसको उगाने के बाद वो उसको market में बेचने लगे. इसकी वजह से जो low income group वाले लोग थे उनको फायदा हुआ. और एक चीज हुई जो हमने demand and supply का rule last year पढ़ा था उसके according अगर demand ज्यादा है तो automatically supply ज्यादा है तो automatically हमारी price क्या हो जाएगी कम होगी. इसकी वजह से जो बहुत बड़ा हमारी पैसा इनकम फूड ग्रेन के खरीदने के पीछे खर्च होता था वो भी कुछ हद तक कम हो पाया. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एनेबल्ड द गवर्नमेंट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक व्हिच कुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज. और इसी की वजह से जो बफर स्टॉक का सिस्टम आपको पता ही है कि जिस जहाँ पे गवर्नमेंट अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है और जब जरूरत पड़ती है उसका यूज किया जाता है. जैसे कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों को पहले से ही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का राशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बफर स्टॉक एंड मार्केटेड सरप्लस. मतलब हमारा प्रोडक्शन इतना है कि हम अपने रेगुलर यूज के अलावा भी फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके रख सकते हैं. सो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा. HYV क्रॉप्स की वजह से ये पॉसिबल हो सका जिसकी वजह से जो छोटे फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिला. लेकिन एक चीज है कि अगर गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर स्टेप नहीं लेती, अगर वो सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करती तो कहीं से भी हम इस चीज का या गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं दे पाते. इसका फायदा सिर्फ रिच फार्मर्स को मिलता और इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाता. इसलिए ये जरूरी था कि इस गैप को हटाया जाए और इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड की. अच्छा, इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आता है द डिबेट ओवर सब्सिडीज. देखिए, सब्सिडीज के बारे में आपको पता है कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है उस प्राइस का कुछ पार्ट गवर्नमेंट सामने वाले
कंज्यूमर से ना लेके वो खुद उस चीज को पे करती है। तो सब्सिडीज के ऊपर डिबेट आता है कि जब HYV टेक्नोलॉजी को लाया गया तो इन जनरल और स्मॉल फार्मर्स के लिए ही जरूरी था, लेकिन जब हम एक सफिशियंट इस क्वांटिटी पे पहुंच गए कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तब उस टाइम पे हमें इस चीज को हटा देना चाहिए, सब्सिडीज को हटा देना चाहिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट में कहते हैं कि नहीं, अगर इसको हटा दिया जाता तो जो रिच फार्मर्स है उन्हें और ज्यादा बेनिफिट वो उसका उठाते और जो गरीब उनका और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता। इसलिए इसके बीच में एक डिस्प्यूट चलता है, डिबेट चलता है, लेकिन फिर भी सब्सिडीज कुछ हद तक अब उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे जिन लोगों को, पुअर फार्मर्स को जरूरत है, उन्हें सब्सिडीज गवर्नमेंट अभी भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल एन डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड। नाउ आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कि 1950 से 1990 के बीच हमारे GDP में काफी चेंजेस आया था। जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो 67.5% हम 1950 में जो देते थे, और वो ही जाके कहाँ पे पहुंच गया 1990 में 64.9 पे। लेकिन इसके साथ ही जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी 1950 में अराउंड 75%, वो बाकी की जो पॉपुलेशन थी उसका जो रेशियो था वो कम हो गया। पॉपुलेशन अब दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ भी मुड़ गई। उसी के बाद आगे इंडस्ट्री और ट्रेड वाले सेक्टर में देखेंगे। हमें ये तो पता है कि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आती है, और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की वजह से, सिर्फ एग्रीकल्चर में स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन को लाके हम क्या कर सकते थे, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते थे। अब इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट के सामने कुछ चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो हम तभी क्या हुए थे, आजाद हुए थे, तो हमारे पास फाइनेंशियल इतने साउंड नहीं थे हम फाइनेंशियली कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके क्या कर सके, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर सके। और जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए थे, वो बेसिकली हमारे पास 2 से 3 इंडस्ट्रीज छोड़ के गए थे। उसमें था कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एंड 2 वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स, जो कि जमशेदपुर और कोलकाता में था, ठीक है। इसके अलावा और इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बहुत ही। सो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके बाद गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था या एक बड़ा क्वेश्चन था पॉलिसी मेकर्स के सामने कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल होना चाहिए। क्योंकि ये बात तो हमें पहले ही बताया कि पुअर कंट्री होने की वजह से हमारे पास इतने प्राइवेट सेक्टर्स नहीं आ सकते थे कि वो अपना पैसा लगा के क्या कर सके, कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत थी, और गवर्नमेंट को पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो उस चीज को लागू कर सके, अपने बलबूते पे वो स्टार्ट कर सके। इसीलिए कुछ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद सेकंड 5 ईयर प्लान से ही स्टार्ट किया गया कि कैसे कंप्लीट कंट्रोल जो इंडस्ट्रीज का रहेगा वो किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाएगा। इसके लिए 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, जिसमें बेसिकली इसमें यही हुआ था कि 3 अलग अलग हिस्सों में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिवाइड किया गया था, जिसमें पहला सेक्टर था, फर्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा जो ओनरशिप रहेगी वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, जो कि रहेगा पब्लिक सेक्टर। सेकंड में था कुछ पार्ट पब्लिक सेक्टर का और कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर का, मिक्स्ड रहेगा उनका ओनरशिप। तो ये हो गया सेकंड सेक्टर। और थर्ड कैटेगरी जो थी वो थी जहाँ पे पूरा का पूरा जो ओनरशिप रहेगा वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बना के रखी थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा फायदा अपने पर्सनल यूज के लिए ना ले सके। इसके लिए लाइसेंसिंग और लाइसेंसिंग सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लाइसेंस बनाए थे कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट के पास से पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके एक लाइसेंस लेना होता था, और उसी के हिसाब से वो जितनी अमाउंट डिसाइडेड है उसी के हिसाब से वो क्या कर सकते थे, प्रोडक्शन कर सकते थे। और इसके साथ ही एक रीजनल इक्वालिटी करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टैरिफ्स में छूट दी थी या कुछ कंसेशंस दिए थे, जो अगर कुछ रिमोट एरिया में क्या किया जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता था। इसके लिए अगर कुछ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री भी कुछ लाइसेंस को एक्सपेंड करना चाहती थी तो उसके लिए भी उन्हें कुछ
जो भी वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती थी वो लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही होती थी, वो उससे ज्यादा नहीं कर सकते थे. और लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स. और अगर लाइसेंस को भी एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती थी तो वो उसी सूरत में पड़ती थी कि जब गवर्नमेंट को लगता था कि ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत हो. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. 1955 में एक कार्वी कमेटी बनी थी जो कि विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कमेटी थी, और उन्होंने बताया था कि सारी बड़ी इंडस्ट्रीज डालना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए कुछ रूरल डेवलपमेंट के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या किया जाए, इनिशिएट किया जाए, स्टार्ट किया जाए. इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट पे लोन देना स्टार्ट किया था. तो अ मैक्सिमम रुपीज ऑफ 5 लाख जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता था किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, और ये अब बढ़ के 1 करोड़ तक आ चुका है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी बेसिकली वो बिलीव की जाती थी लेबर इंसेंटिव, क्योंकि वहां पे कैपिटलिज्म को मेन वो फोकस में ना रखते हुए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, वहां पे एक लिमिटेड प्रोडक्शन होता था और लेबर्स को ज्यादा इन्फ्यूज किया जाता था. दैट इज वाई हमारा जो प्रोडक्शन होता था बहुत ज्यादा नहीं होता था, क्वालिटी एकदम मशीन मेड प्रोडक्ट की तरह क्वालिटी नहीं होती थी, लेकिन उनकी भी एक अच्छी मार्केट डिमांड रहती थी. ये सारी चीजें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस की जाती थी वो मार्केट में जो मशीन मेड है या बड़े इंडस्ट्री से उनके साथ ये प्रॉपरली कम्पीट तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आने लगी थी स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ. इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रेड पॉलिसी, जहाँ पे हमने यूज किया था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है इम्पोर्ट्स को जितना कम हो सके उतना कम किया जाए और हम अपने जरूरत की जो चीजें हैं उसका प्रोडक्शन खुद करें. इसके लिए इस पॉलिसी में इट इज रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ ही हम क्या कर सके रिप्लेस कर दे जो भी हम फॉरेन कंट्रीज से बाहर से सामान मंगवाते हैं. जैसे कि अभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा यूएसए से जो हम वीट मंगवाते थे उसको हमने सेल्फ सफिशिएंसी के साथ क्या किया, धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. इसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हाई टैरिफ्स लगाए कि अगर आप कुछ इम्पोर्टेड सामान फॉरेन कंट्री से मंगवाते हो तो उसके ऊपर आपको ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, मतलब उसकी कीमत हाई रहेगी. इससे लोगों के में एक फीलिंग आएगी कि ये महंगी चीजों को ना यूज करके सेम उससे सस्ती मिलने वाली डोमेस्टिक प्रोडक्शन को वो लोग यूज करें. इसकी वजह से दो तरीके से इस चीज को किया गया, टैरिफ्स एंड कोटास. एक तो हो गई टैरिफ जो मैंने अभी आपको बताया कि टैक्सेस बढ़ा दिए, दूसरा कोटा. कोटा सिस्टम में मतलब आप पर्टिकुलर इतनी क्वांटिटी तक ही सामान फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड, मतलब आप एक साथ 50 या 60 क्वांटिटी का सामान नहीं मंगवा सकते, आपको कुछ लिमिटेड दिया हुआ है कोटा, उसके हिसाब से ही आपको सामान मंगवाना पड़ेगा. So the policy of production protection is based on the notion and industries of developing countries are not in position to compete against the good produced by more developed economies. और एक चीज आ जाती थी इसके साथ ही, हम जो अपनी कंट्री में सामान प्रोड्यूस करते थे उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, उसके साथ हम कम्पीट नहीं कर, इसीलिए हम अपनी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको सेफ रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये ट्रेड पॉलिसी जहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को यूज किया गया था वो जरूरी था. अगर ऐसा नहीं करते, हम बेटर क्वालिटी के फॉरेन प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पे यहाँ पे आने देते तो हमारे यहाँ के बनने वाले प्रोडक्शंस धीरे धीरे बंद हो जाते. ओके, अब इसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ. सो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडेड. शुरू के जो 5 5-year प्लान्स थे जो कि सेकंड से स्टार्ट हुए थे 1956 से, उसके बाद अराउंड 35 इयर्स तक हमारे यहाँ साउंड पोजीशन में रहा, लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आने स्टार्ट हुए. सो द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% व्हिच वाज इन 1950 एंड 51 टू 24.6% इन 1990 to 91. मतलब यहाँ पे हमारा जो जीडीपी में शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो अराउंड 13% के करीब बढ़ गया था.
इसके साथ ही 6% एनुअल ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल. तो शुरुआत के जो 35 इयर्स थे आफ्टर सेकेंड 5 ईयर प्लान वो हमारे पास अच्छा रहा, हमने अच्छी ग्रोथ की. नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन टेक्सटाइल जूट, इन फैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड इन 1990. ओके, इसके साथ ही हमने क्या किया था, बहुत सारा सामान खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था जो हमारी बेनिफिट के लिए था. इसके साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी लोगों को बहुत सारा कैपिटल प्रोवाइड कर रही थी, गवर्नमेंट भी कैपिटल उनको प्रोवाइड कर रही थी और इसके साथ एम्प्लॉयमेंट में भी इससे इजाफा हो रहा था. तो ये इसने हमें फॉरेन कंपटीशन के साथ कंपीट करने के लिए मौका दिया था. तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड. लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जहाँ पे अभी तक हम फॉरेन कंट्रीज के जैसे डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे. तो इसके बावजूद जो पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ था इंडियन इकोनॉमी में वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले कम था. इसके पीछे भी कुछ डिबेट्स आते हैं. कुछ कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के जो वर्कर्स थे उन्होंने जैसा काम करना था उस हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उतना ग्रोथ नहीं हो पाया. लेकिन स्टिल अभी तक कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. आज के डेट में जो डिफेंस का जो भी सामान बनता है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट ही बनाती है. जैसे यहाँ पे एक ब्रेड का एग्जांपल दिया हुआ था, मॉडर्न ब्रेड जो कि पहले सिर्फ उन्हीं के पास अथॉरिटी थी ब्रेड्स प्रोड्यूस करने की बनाने की, और 2001 फर्म को प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया गया और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू डेवलप करने की जरूरत पड़ी. क्योंकि हम जितना डेवलपमेंट चाहते थे अपने प्लान्ड इकोनॉमी के लिए वो हमारे 5 ईयर प्लान्स के प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, हम काफी पीछे रह गए थे. शुरुआत के 4 डेकेड्स तो हमने अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस आए. सो आफ्टर 4 डेकेड्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन वॉट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड वॉट द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो डू. मतलब पब्लिक सेक्टर अकेले क्या कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकता है. इसीलिए पब्लिक सेक्टर की जो सप्लाईज थी वो अब नेशनल डिफेंस और प्राइवेट सेक्टर जैसे होटल्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है. तो इसलिए धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे जाके छूट मिलने लगी. वो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा. अभी मैंने जो आपको बताया दैट पब्लिक सेक्टर को जिस हिसाब से काम करना चाहिए था उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाए, उतना प्रॉफिटेबल वो गवर्नमेंट के लिए नहीं रही, इसलिए धीरे धीरे गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के पास सेल भी करना पड़ा. सो ऑल इन ऑल वी कैन से जो प्रोग्रेस था इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिसीज बनाने का फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, हमने अच्छा काम किया. शुरुआत के ईयर्स 1950 टू 1990 तक हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया और हम सेल्फ सफिशिएंट हुए इन टर्म्स ऑफ फूड. उसी के साथ ही हमने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वहाँ पे भी हमने अच्छा काम किया. जो हमारे पास इंडस्ट्री सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज थी उससे भी हम आगे बढ़ के टिल द ईयर 1990 हम एक अच्छी कंडीशन पे आए. हमारा जो GDP में शेयर था वो अच्छे लेवल पे पहुंचा. लेकिन फिर भी 1990 हमारी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई कि हमें अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज लाने की जरूरत पड़ी. और वो क्या जरूरत पड़ी और क्या क्या चेंजेस आए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1991. सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.